एनिमल मूवी का ट्रेलर बहुत बढ़िया था, लेकिन इसमें स्वस्तिक दिखाए और रणबीर कपूर शपथ लेते हैं, अब इससे कंपेयर किया जा रहा है हिटलर से। हाँ, तो हिटलर के कई रेफरेंस दिए एनिमल के ट्रेलर में। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर स्वस्तिक यूज करने से पहले भारत में इसे शुभ काम के लिए यूज किया जाता था, या फिर इससे गुड लक के तौर पर भी इस साइन, लोगो या चिन्ह को यूज किया जाता था। हर एक देश में इसके अलग अलग अर्थ थे, लेकिन कहीं पर भी इसे बुरा नहीं माना जाता। लेकिन जब हिटलर ने इसे यूज किया, और आपको जो जर्मनी में हिटलर ने जेनोसाइड किया, हिटलर तानाशाह था, वहां का डिक्टेटर था, इसकी वजह से ये लोगों को काफी बदनाम हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जर्मनी में इस लोगों को जिसने लाया था, उसने अपने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। ठीक अनिल कपूर की तरह, अनिल कपूर ने अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, स्टील का बिजनेस है, जिसके अंडर वो शायद आर्म्स का भी धंधा कर रहे होंगे शायद, लेकिन उसने एम्पायर तो खड़ा कर लिया और उसका लोगो है स्वस्तिक। फिर हिटलर शपथ लेता है और वर्ल्ड वॉर टू चालू होता है। उसी तरह रणबीर कपूर शपथ लेता है और देखोगे तो पूरी तरह वॉर छिड़ जाती है, और अनिल कपूर कहता भी है कि तुम आए और जंग शुरू हो गई, वॉर शुरू हो गई। तो यह हिटलर का ही रेफरेंस था जो स्वस्तिक के जरिए दिखाया कि कैसे पहले स्वस्तिक एक अच्छा सिंबल था, लेकिन उससे बाद में बदनाम किया गया, और हिटलर बाद में कैसे बुरा हुआ। तो हिटलर के भी बहुत से ट्रॉमा थे चाइल्डहुड से। और दूसरी बात, हिटलर आज दुनिया के लिए बुरा होगा है मतलब, लेकिन हिटलर के भी जर्मनी में बहुत सारे अच्छे काम करके गए हैं। जैसे उसने जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट लाई, जर्मनी पहले बहुत अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहा था, हिटलर ने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट लाई, स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग बंद करवा दी लोगों की, इसका कैंपेन किया था हिटलर ने स्टॉप स्मोकिंग। एनिमल के लिए उसने लॉज लाए, एनिमल प्रोटेक्शन, और इसकी वजह से लोगों से बहुत प्यार करते थे, लोगों में वो बहुत पॉपुलर था। लेकिन बाद में वर्ल्ड वॉर जब चालू हुई, तो उसने जो जेनोसाइड किया उसके वजह से उसे सबसे क्रूर माना जाता है। उसी तरह देखोगे जंग छेड़ने के बाद रश्मिका मंदाना कहते भी कि तुम अनस्टेबल हो गए हो रणबीर कपूर को, तो हो भी सकता है ये देखना चाहते हो। जैसे वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर पागल हो गया था, वो किसी के भी नहीं सुन रहा था, वो हर किसी से लड़ रहा था, उसी तरह ये देखना चाह रहे हो कि रणबीर कपूर पागल हो गए और वो किसी के नहीं सुन रहा। जो दिखाया बोलता भी है कि तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, तो रणबीर कपूर बोलता है कि हर बात के लिए परमिशन नहीं ले सकता, और वो बदले में पागल हो जा रहा है कि वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। फाइनली हिटलर देखोगे तो सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। वो मुझे नहीं लगता मूवी में होगा इतना, लेकिन इस तरह सिंबोलाइज किया है हिटलर को एनिमल मूवी में। और स्वस्तिक के ऊपर अगर कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, तो मैं ये कहूंगा कि संदीप रेड्डी ने सीए को सपोर्ट किया था, ये इसलिए बता रहा हूँ कि शायद तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए और तुम बॉयकॉट न करो मूवी। अब मूवी आने तक मैं भी देखूंगा, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि जो स्वस्तिक चिन्ह है उसको गलत तरीके से दिखाए। लेकिन मूवी आने से पहले मैं कहूंगा अभी से बॉयकॉट मत करना, मूवी आने दो।